और अब रुख महाराष्ट्र का कर लेते हैं, जहां संविधान पर महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच संग्राम की स्थिति है। बीजेपी संविधान के बहाने राहुल गांधी को घेर रही है, उन पर संविधान को लेकर झूठ बोलने के आरोप लगा रही है। महाराष्ट्र बीजेपी ने पोस्ट कर दावा किया कि राहुल गांधी कोरा कागज लेकर घूमते हैं। राहुल गांधी की पूरी संविधान वाली किताब कोरे कागज से भरी है। संविधान सिर्फ बहाना है, लाल पुस्तक को पढ़ाना है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के नेता बीजेपी को संविधान विरोधी बता रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को संविधान विरोधी बताते हुए महाराष्ट्र बीजेपी की जो पोस्ट है वो भी आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में संविधान के मुद्दे पर सियासत हाई है। बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है, दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी के नेता बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। श्रीमान राहुल गांधी जिस संविधान के प्रति लहराते थे, उसमें संविधान के कोई शब्द लिखे होने की बजाय सिर्फ कोरे कागज होना, आज यह साबित कर गया कि श्रीमान राहुल गांधी संविधान की प्रति लहराने का पाखंड करते थे और आज उनका पाखंड बेपर्दा हो गया। जिस तरह से श्रीमान राहुल गांधी की करियर के सफलता का कार्ड कोरा है, उसी तरह से संविधान की प्रति कोरी है और फिर कोरी झूठ बोलते हैं और उनके कोरी बकवास के अलावा संविधान के प्रति उनका किसी प्रकार का समर्पण नहीं है, आज यह सिद्ध हो गया। बीजेपी वाले नकल करने में और झूठ फैलाने में इस विश्व में पहले नंबर की पार्टी है। संविधान की किताब सालों साल से हम देख रहे हैं, ये उनका दर्द है कि हम संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान की किताब कल हमारे मंच पर भी थी, हमारे सबके हाथ में थी, वही रेड कवर वाली जिस लाल रंग की तकलीफ हो रही है फडणवीस को। महाराष्ट्र के तीन दुश्मन हैं, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, ये तीनों की राजनीति ने भी महाराष्ट्र का गटर बना दिया है। ऐसे लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं करो तो अच्छी बात है, लेकिन चुनाव में इस तरह का माहौल बना के और लाल रंग को जो हमारे हिंदू संस्कृति में महिलाओं के सुहाग का निशान है और हिंदू धर्म में लाल कलर को पवित्र माना जाता है, उस लाल रंग को वो टीका कर रहे हैं, उसकी चेष्टा कर रहे हैं। सत्ता से बाहर जाने का डर देवेंद्र फडणवीस के सामने दिख रहा है और इसलिए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।